सो हे व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं वापस आ चुका हूं पोकेमॉन यूनाइट का ओरिगामी सिंह सा गेम प्ले लेके। पोकेमॉन यूनाइट में रिसेंटली इतने ज्यादा डिफेंडर्स रिलीज हो रहे हैं ना कि तुम जिसको भी देखो वो लैपरेस या तो गुड्रा तो चला ही रहा है। ब्लास्टर से स्लोबरो को तो हम कैसे ही भूल सकते हैं, एंड आगे अम्ब्रियन भी तो आने वाला है। और क्योंकि अब जब डिफेंडर मेटा चल ही रहा है तो तुम किसी भी डिफेंडर मैन को अगर पूछोगे ना कि उनको सबसे ज्यादा कौन से अटैकर से नफरत है, तो उनके मुंह से बस एक ही नाम निकलेगा, वो है एस्पियन। डैमेज तो हर एक इवोल्यूशन के पास पहले से ही है, और एस्पियन का पैसिव एबिलिटी मैजिक बाउंस है जो स्टन मिलता है ना उसके साथ ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। अभी तुम हमारे इस मैच को ही देख लो। टॉप लेन में मैं और जायरोक्स आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्लेड कॉम्बो एस्पियन और स्लोबरो लेके, और हम लोग किस तरीके से डोमिनेट करेंगे। ऑपोजिंग टीम का साइथर अपने 6 स्टैक्स कंप्लीट करने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया था ना कि इतने से टाइम में ये दूसरी या तीसरी बार मर रहा है। और बात रही स्लोबरो की, उसको हम मार लेंगे। इन दोनों को यहाँ पे मार लेने के बाद हम लोग 30 का स्कोर कर लेते हैं ऑपोनेंट्स के टॉप बेस में। दोनों टीम का जंगलर बॉटम लेन में फाइट कर रहे थे तो हम लोग टॉप लेन में थोड़ा बहुत सेफ है। ये देखो सेफ्टी का नाम लेते ही साइथर आके हाजिर हो गया। भाई ने ट्राई तो बहुत किया था मुझे मारने का, लेकिन एट द एंड मैं उनको मार लेता हूं। साइथर को मार लेने के बाद मेरे सेकंड मूव आ जाता है जो कि इस मैच के लिए मैं फ्यूचर साइट यूज करने वाला हूं, एंड वो आगे जाके बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। हमें टॉप लेन खाली मिल जाता है तो हम लोग बी एंड साइड फार्म इजीली सिक्योर कर लेते हैं। अरे साइथर भाई मेरे, अब तो रुक जा, कितना स्टैक करेगा, ऑलरेडी कितना ज्यादा लेवल डिफ में चल रहा है। 5 लेवल तो हो जाए उसके बाद स्टैक्स कर लेना। फ्यूचर साइट कनेक्ट करके साइथर को मार लेने के बाद जिससे मेरा साइशॉक फिर से चार्ज हो जाता है, जिससे मैं स्लोबरो को मार लेता हूं और हम लोग चले जाते हैं टॉप बेस में स्कोर करने के लिए। अभी हमारे पास इतना ज्यादा स्कोर था नहीं इस बेस को खाली करने के लिए, और साइथर फिर से वापस आ गया था। इन दोनों से फाइट करने से पहले मैं अपने इजेक्ट बटन यूज करके सबसे पहले इन दोनों का बैरिस पिक कर लेता हूं, और उस चक्कर में मैं अपना साइशॉक भी मिस कर जाता हूं। साइथर को हम लोग समय मार लेते हैं, मुझे अपना यूनाइट यूज करना पड़ा। और बात रही स्लोबरो को, उसको तो हम लोग मार ही लेंगे। वैसे जब दो स्लोबरो एक साथ फाइट करते हैं वो दूर से देखने में मजा तो बहुत आता है, दोनों बस मुंह से बस पिचकारी ही मारते हैं। ऐसा नहीं कि खराब लग रहा है, मतलब एटलीस्ट एक दूसरे को लात घूंसे तो मारो, तभी तो देखने में मजा आता है। जोक्स अपार्ट, बट इन दोनों को मार लेने के बाद हम लोग टॉप बेस खाली कर देते हैं यहाँ वहां से स्कोर कर लेकर, क्योंकि रेजिले की हमें वेस्ट करना था नहीं। इसके बाद टॉप लेन में मैं और स्लोबरो रेजिले की मेल्ट करना चालू कर देते, क्योंकि बॉटम लेन में डोड्रियो ने हमारे लिए रेजिस्टिल सिक्योर कर लिया था। अब स्पेशल अटैक बूस्ट एक बार मिल चुका है तो और क्या चाहिए। और टिया स्काईरूंस मैप में ना बॉटम लेन में मेरा सबसे फेवरेट ऑब्जेक्टिव भी रेजिस्टिल ही है। एनीवेज हमारे स्लोबरो ने रेजिले की तो सिक्योर कर लिया था लास्ट ईयर देके, लेकिन उसके बाद साइथर जो मेरे पे चढ़ता है मैं अपना यूनाइट देके भी उससे बच नहीं पाता हूं। मैं पहली बार यहां पे मरा था जिस वजह से साइथर को देखो मेरे से कितना ज्यादा लेवल मिला, वो 6 से 8 हो गया मुझे मारने के बाद। रिस्पॉन होकर मैं आ जाता हूं बॉटम लेन में ओवर पुश करने के लिए, क्योंकि टॉप लेन में हमारा स्लोबरो डिफेंड कर रहा था। मैं हमारे डोड्रियो को बोलता हूं स्कोर करके ये वाला बेस खाली कर देने के लिए। मैं डेलफॉक्स को साइशॉक से बजाए जा रहा था, और उसी टाइम निंजा एंड कॉम्फी आ जाता है कोने से स्लोबरो भी। इन तीनों को तो हम लोग बहुत ही इजीली मार लेते हैं, और उसके बाद लग जाते हैं बॉटम बेस में स्कोर करने के लिए। वेल मैं अकेला क्यों स्कोर कर रहा हूं, तुम लोग भी आओ ना। तो हाँ, बेसिकली यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर कर लेने के बाद हम लोग चले जाते हैं टॉप लेन में, क्योंकि ऑपोजिंग टीम का स्लोबरो एंड डेलफॉक्स वहाँ पे फाइटिंग कर रहा था। मैं एंट्री लेते ही देखा कि ऑपोजिंग टीम के स्लोबरो ने हमारे जायरोक्स पे अपना अल्ट पेल दिया था, और ये देख के मैं दूर से बोला वाह क्या सीन है। मैं यहाँ पे इनको थोड़ा थोड़ा करके मार ही रहा था कि तभी हमारा जाशिन यहाँ पे एंट्री लेके एक एक करके इन दोनों को मार लेता है, और उसके बाद साइथर मेरे पे चढ़ तो जाता है लेकिन उसको हम सब मिलकर मार लेते हैं। बेचारे का यूनाइट बहुत वेस्ट चला गया। इसको मार लेने के बाद हम लोग लग जाते हैं उसी काम पे जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, रेजिल की हम लोग मेल्ट करके सिक्योर कर लेते हैं। दूर दूर तक कोई भी ऑपोनेंट नहीं आता है। वैसे इस मैच में हमारा जायरोक्स रेजिले की बहुत ज्यादा लास्ट हिट ले रहा है ना। हम लोग चले जाते हैं रेजिले के लिए पुश करवाने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स रेजिले के पे कोई फाइट नहीं हुआ तो हम लोग 5 जन सरवाइव कर गए थे और फुल हेल्थ में थे। मैं बंदों के बीच में हॉप इन करके अपना यूनाइट चला के थोड़ा बहुत उनको स्कैटर कर देता हूं। जाशिन इस मौके का फायदा लेके उन पे चल जाता है, एक दो को एलिमिनेट हम लोग कर लेते हैं। रेजिले की बहुत इजीली एंटर कर जाता है, हम लोग स्कोर करके इस बेस को खाली कर देते हैं। हम लोग बेस जाके हील करके अपना बेस डिफेंड कर लेते हैं, और फाइनल स्टेज चालू होने के बाद मेरा यहाँ पे प्लान था ओपोनेंट्स को बैक स्टेप करने का। स्लोबरो को यहाँ पे सिक्योर करने के बाद मैं थोड़ा आगे जाता हूँ निंजा को मारने के लिए, लेकिन तभी साइथर आके मेरे पे यूनाइट चला देता है, जिससे बचने के लिए मैं अपना यूनाइट चलाता हूँ और साइशॉक से इसको फिनिश कर लेता हूँ। हम लोग रिक्वाजा मेल्ट करने लग जाते, लेकिन तभी अचानक से मुझे याद आया निंजा तो अभी भी बचा हुआ है। मैं और जायरो निंजा को खोज रहे थे तभी वो हमारे मुंह के सामने स्मोक स्क्रीन मार के भाग जाता है, और अपना यूनाइट बहुत ही जल्दी चला देता है, जिस वजह से हमारा जाशिन अपने यूनाइट से रिक्वाजा सिक्योर कर लेता है। अब क्योंकि इस बार रिक्वाजा हमारे जाशिन ने सिक्योर किया तो मुझे लगा कि मेरे ऊपर से पेनल्टी हट गया और मैं स्कोर कर पाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। ये तुम यहाँ पे देख रहे हो मैं यहाँ पे फंसा पड़ा हूँ, जायरो कोने में घूमते घूमते बोल रहा है मैं यहाँ पे क्या करूँ। अरे मतलब तो कुछ भी कर, अपना गीला टोपी फेंक के मार उसको, लेकिन मुझे बचा तो यहाँ से। बस यही बोल रहा था मैं उसे। अल्टीमेटली डोड्रियो और स्लोबरो मिलकर मुझे बचा लेते हैं। हम चले जाते स्कोर करने के लिए, मेरा शील्ड टूट चुका था, एचपी तो मेरा दिख ही नहीं रहा, और उसी टाइम पे साइथर आके मुझे बचा जाता है, एंड हमारे ओपोनेंट सरेंडर भी कर देते हैं। तो हाँ, हम लोग इस मैच को जीत जाते हैं। एंड में रिजल्ट्स में जाके जब मुझे अपना डैमेज दिखता है तब मुझे थोड़ा सुकून आता है। साइड एंड आई रियली होप कि तुम लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर तुम लोग को वीडियो देख के थोड़ा सा भी मजा आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली ऐसे वीडियो और भी देखते रहने के लिए। मैं मिलता हूँ तुम लोग को और एक नए और अमेजिंग वीडियो के साथ। एंटिल देन पीस आउट एंड टेक केयर।